हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा एजे सा स्वेटर का डिज़ाइन लेके आई। बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे और जितना डिजाइन देखने में सुंदर लगेगा बनाने में उतना ही आसान होगा। तो इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने ये 4 प्लाई वाली वूल ली है और 10 नंबर की मैंने सिलाई ली है। अगर आप इस डिज़ाइन को बुनना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। इस डिजाइन को बनाने के लिए हमें जो फंदे चाहिए वो फंदे 8 के मल्टीपल चाहिए। जैसे पहले 8 फंदे गिनिएगा, फिर से 8, लास्ट में आपके 5 फंदे एक्स्ट्रा होने चाहिए तो डिजाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। इस डिजाइन को आप लेडीज कार्डिगन, लेडीज स्वेटर, जेंट स्वेटर, बेबी स्वेटर, गर्ल स्वेटर, हाई नेक कैप, टॉप, कुर्ते किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए। बहुत ही प्यारा सा उभर के आने वाला केवल डिजाइन है। तो चलिए बुनना शुरू करेंगे। तो मैंने ये फंदे डाल लिए हैं। अगर आप किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाना चाहते हैं तो फंदे आप रॉन्ग साइड से बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि ये डिजाइन स्टार्टिंग से पहली रो से ही बनना शुरू हो जाएगा। अगर आपको डिजाइन पसंद आए, मेरा बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो बॉर्डर बनाने के बाद जब आप डिजाइन को शुरू करेंगे तो स्टार्टिंग में 4 सिलाइयां हमने बेसिक रो बनानी पड़ेंगी। तो पहले हम ये बेसिक रो बनाएंगे। चलिए बुनना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम 4 बेसिक रो बनाएंगे। ये बेसिक रो हमारी सिर्फ एक बार ही बनेंगी, फिर हमारा डिजाइन रिपीट होता जाएगा। तो ये एच स्टिच फंदा है, इसको सीधा बना लीजिए। धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा पीछे करेंगे, फिर 2 फंदे सीधे, 1 2। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा। फिर धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे। तो देखिए एच स्टिच फंदे को छोड़ के इन्हीं 8 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। 3 उल्टे, 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे। तो फिर से एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं को दोबारा से बुनेंगे। तो 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2। धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा उल्टा। धागा पीछे करेंगे, 2 फंदे सीधे, 1 2। तो 2 रिपीट हमारे कंप्लीट हुए, यहाँ से लेके और यहाँ तक 2रा रिपीट कंप्लीट हुआ। 8 फंदों का डिजाइन है। आपके प्रोजेक्ट में जितने भी फंदे हों आप उनको ऐसे ही बुनते जाइएगा, 3 उल्टे, 2 सीधे, 1 उल्टा, 2 सीधे, 8 फंदों का डिजाइन बनेगा। लास्ट में आपके पास 4 फंदे होंगे तो धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। धागा पीछे करेंगे, एच स्टिच फंदा सीधा। तो ये हमारी बेसिक रो फर्स्ट बन के कम्प्लीट हुई। अब आ जाइए सेकंड बेसिक रो। अब सेकंड रो इस एच स्टिच फंदे को उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए ये फंदे यहाँ से उल्टे थे, 3 फंदे यहाँ से सीधे बनाए जाएंगे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, 2 फंदे उल्टे, 1 2। धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ, फिर 2 फंदे उल्टे। अब देखिए एच स्टिच फंदे को छोड़ के इन्हीं 8 फंदों को फिर से रिपीट करेंगे, 3 सीधे, 2 उल्टे, 1 सीधा, 2 उल्टे। फिर से 3 फंदे सीधे, 1 2 3। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, 1 2। धागा पीछे, 1 फंदा सीधा। धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। तो 2 रिपीट कंप्लीट हुए। धागा पीछे, लास्ट में 4 फंदे हैं, 3 फंदे सीधे बनाएंगे, एच स्टिच फंदा उल्टा बुनेंगे। तो 2री बेसिक रो हमारी बन के कंप्लीट हुई। अब फिर से 3री बेसिक रो बनाएंगे तो उसको भी ऐसे ही बुनेंगे, इन्हीं सिलाइयों को फिर से रिपीट करेंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, अब 3 फंदे उल्टे,
धागा पीछे, दो फंदे सीधे, दो धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, फिर ये दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ, सेम जैसे हमने फर्स्ट रो और सेकंड रो बेसिक बुनी है इन्हीं को फिर से रिपीट कर लेंगे। धागा पीछे, फिर से दो सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ, फिर से एक उल्टा, फिर धागा पीछे, फिर से दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ, फिर से तीन फंदे उल्टे, एच स्टिच फंदा सीधा। अब आ जाइए उल्टी तरफ चौथी सिलाई, जो फंदा आपको जैसा नजर आए उसको वैसा ही बुन लीजिए, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे, अब तीन फंदे फिर से सीधे, एक दो तीन। जब भी आप डिजाइन बनाए पहले आप थोड़े फंदों में डिजाइन को बना के देखिएगा, फिर आप प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिएगा तो बुनने में प्रॉब्लम नहीं होती, आराम से डिजाइन बन जाएगा। बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा, केवल डिजाइन है और इसको आप किसी भी प्रोजेक्ट में अप्लाई कीजिएगा, उभर के आने वाला डिजाइन है। तो ये चार सिलाइयाँ हमारी बन गई, चार सिलाइयाँ बेसिक रो बनने के बाद इस तरह से हमारा ये बन के आया है। अब देखिए, अब हम यहाँ से जो ये चार सिलाइयाँ बॉर्डर के बाद हम ये बनाएंगे, ये सिर्फ एक बार बनेगी, फिर आगे हम डिजाइन की चार सिलाइयाँ बनाते जाएंगे। चार चार सिलाइयों का डिजाइन है, ये चार सिलाइयाँ जो आप बुनी है ये सिर्फ एक बार ही बनेगी। अब आगे हम डिजाइन की फर्स्ट रो बनाएंगे, अब हमारे डिजाइन की फर्स्ट रो है, तो ध्यान दीजिएगा अब हमारा डिजाइन शुरू हो गया है। तो फर्स्ट फंदा एच स्टिच है, इसको उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ, ये तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे। अब देखिए ये पांच फंदे हैं, इन पांच फंदों के अंदर डिजाइन बनेगा, जो केबल बनेगी वो हमारी पांच फंदों के अंदर बनेगी। तो जो बीच का फंदा ये उल्टा है, इसका देखिए एक सिलाई पे फंदा है, फिर ये दो, ये तीन और ये चार, इस चौथे होल के नीचे से यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, इस तरह से लूप का फंदा ऐसे बनाएंगे और इस फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, फिर इन दो फंदों को सीधा बना लेंगे, एक दो, इस तरह से धागा अपनी तरफ करेंगे, अब ये एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब ये दो फंदे सीधे, एक दो। अब देखिए जो ये लूप का फंदा जहाँ से बुना है उसी जगह से एक बार और लूप का फंदा बनाएंगे और इस लूप वाले फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे, अगर आप लूज रखेंगे तो डिजाइन बहुत अच्छे से बन के आएगा। तो अब देखिए एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे, तो तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे। अब फिर से देखिए जो बीच वाला फंदा है इसके ध्यान दीजिएगा, एक फंदा, दो तीन और चार, इस चौथे के नीचे से सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा ऐसे बनाएंगे इस तरह से, फिर ये दो फंदे सीधे, एक दो, धागा अपनी तरफ, ये फंदा उल्टा, धागा पीछे, अब ये दो फंदे सीधे, एक दो। अब इसी जगह से फिर से लूप का फंदा बनाएंगे जहाँ से हमने पहले बुना है, इस तरह से लूप का फंदा बना लेंगे, इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे, दो रिपीट कंप्लीट हुए, लास्ट में चार फंदे हैं, तीन फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे, एच स्टिच फंदा सीधा। तो डिजाइन की फर्स्ट रो बन के कम्प्लीट हुई, अब आ जाइए सेकेंड रो उल्टी तरफ, फर्स्ट फंदा ऐसे उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, अब ये तीन फंदे सीधे, एक दो
तीन धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए जो ये लूप वाला फंदा है ये इसको ऐसे ही उतार लेंगे बगैर बुना, और तीन फंदे उल्टे, एक दो फंदे उल्टे, इस तरह से धागा पीछे ये फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ फिर से दो फंदे उल्टे, एक दो। अब ये लूप वाला फंदा इसको बगैर बुना उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए ये लूप वाला फंदा है इसको उतार लेंगे ऐसे, फिर दो फंदे उल्टे, एक दो, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ दो फंदे उल्टे, उल्टी तरफ से जो फंदा जिस तरह से आपको नजर आएगा उसको वैसा ही बनाएंगे, धागा पीछे, लास्ट में चार फंदे हैं तो तीन फंदों को सीधा बुनेंगे और एच स्टिच फंदे को उल्टा बना लेंगे। तो डिजाइन की हमारी दो सिलाइयां बन गई हैं। अब आ जाइए तीसरी सिलाई सीधी तरफ, अब सीधी तरफ तीसरी सिलाई, एच स्टिच फंदे को ऐसे उतार लेंगे, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो ये लूप वाला फंदा है ये वाला, इसको ऐसे पलट लेंगे इस तरह से, और इसके नीचे जो फंदा है सीधा फंदा ये इसके साथ लेके ऐसे दो का एक करेंगे इस तरह से। अब ये फंदा सीधा, अब देखिए पहले हमने लूप बना के दो फंदे सीधे बनाए थे, अब हमने दो फंदे बुन के अब की बार लूप बुनना है इस यहाँ से। अब देखिए किस तरह से बनाएंगे, अब दो फंदे सीधे बनाने के बाद लूप का फंदा बनाएंगे। तो अब देखिए पहले लूप हमने ये यहाँ अंदर की तरफ से बुना था, अब ये लूप यहाँ इस फंदे के बाहर की तरफ से बनेगा। तो जहाँ से ये लूप बनाया था इसकी बिल्कुल सीधाई में, यहाँ से एक दो तीन, तीन फंदे नीचे से यहाँ से लेंगे ऐसे, और लूप का फंदा इस तरह बनाएंगे, इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे। अब देखिए अब ये लूप बनाना है हमने यहाँ से इस तरह से, एक दो तीन, यहाँ तीन फंदे नीचे से लूप बनाएंगे इस तरह से, इस तरह से लूप बनाएंगे ऐसे। जो ये बीच में फंदा है इसके दोनों तरफ लूप के फंदे बन जाएंगे, ये यहाँ से बन गया, एक यहाँ बन गया। अब इस फंदे को सीधा बनाएंगे, और जो ये फंदा है और ये लूप का है, इस फंदे को पीछे से लेंगे ऐसे और दो का एक करेंगे इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो ये लूप का फंदा है, और आगे से एक फंदा और लेके दो में सिलाई डालेंगे, दो का एक करेंगे इस तरह से, फिर ये फंदा सीधा। अब हमने लूप बनाना है इन दो फंदों के बाद में, जो उल्टा फंदा है इसके साथ में, तो यहाँ ये इस साइड से हमारा लूप बनेगा। तो एक फंदा सिलाई पे है, दो तीन, तीन फंदे नीचे से यहाँ सिलाई डाल लेंगे और इस तरह से लूप का फंदा बना लेंगे इस तरह से, इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे। एक बार लूप बाहर की तरफ बनेगा, एक बार अंदर की तरफ बनेगा। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा, धागा पीछे, ये बीच का उल्टा फंदा बुनने के बाद फिर से हम बाहर से लूप बनाएंगे। तो यहाँ यहाँ से तीन फंदे नीचे से सिलाई डाल लेंगे और लूप का फंदा ऐसे बुन लेंगे, फिर ये फंदा सीधा। अभी एक सीधा एक लूप वाला, दो में सिलाई डाल लेंगे ऐसे बैक से और दो का एक बनाएंगे इस तरह से। लास्ट में तीन फंदे हैं, इनको एक दो तीन उल्टे, धागा पीछे, एच स्टिच फंदा सीधा इस तरह से।
अब देखिए आ जाइए उल्टे तरफ चौथी सिलाई, जो फंदा जैसा आपको नजर आएगा उसको वैसा ही बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे। अब ये तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ। अब दो फंदे उल्टे, एक दो। अब ये लूप का फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ करेंगे। अब देखिए लूप के फंदे को ऐसे उतार लेंगे इस तरह से, और दो फंदे फिर से उल्टे, एक दो। इन्हीं एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं आठ फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। तो तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ, फिर से दो फंदे उल्टे, एक दो। लूप का फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, फिर से दो सीधा फंदा, धागा अपनी तरफ, ये लूप वाला फंदा उतार लेंगे, फिर से दो फंदे उल्टे, दो रिपीट कंप्लीट हुए। धागा पीछे, तीन फंदे सीधे, एक दो तीन, धागा अपनी तरफ करेंगे, एच स्टिच फंदा उल्टा। अब आ जाइए सीधी तरफ। तो देखिए ये चार सिलाइयाँ हमारी बनी है और डिजाइन हमारा केबल का इस तरह से बन के आया है। अब फिर से हम इसको बनाएंगे, तो देखिए किस तरह से बुनेंगे। मैं आपको एक बार इस डिजाइन को फिर से बना के दिखा देती हूँ, तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। तो चार सिलाइयाँ डिजाइन की बन गई, मैं आपको इसको एक बार और स्टार्ट करके दिखा देती हूँ। डिजाइन दोबारा से स्टार्ट करेंगे, एच स्टिच फंदा उतारेंगे, धागा अपनी तरफ, तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे। अब देखिए जो ये बीच वाला फंदा है इसके एक दो और तीन, यहाँ से सिलाई डाल लेंगे, जैसे हमने फर्स्ट रो में बुन के एक लूप का फंदा ऐसे बनाया था इस तरह से। अब ये एक फंदा सीधा बना लेंगे, लूप वाले फंदे को थोड़ा सा लूज रखेंगे। अब ये सीधा फंदा, ये लूप वाला, इसमें आगे से सिलाई डाल लेंगे, दो का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर धागा पीछे करेंगे, ये लूप वाला और ये सीधा फंदा, दो में सिलाई डाल लेंगे, बैक से दो का एक करेंगे, फिर ये फंदा सीधा। अब फिर लूप डालेंगे, तो यहीं से ही हमने फिर से लूप का फंदा बुनना है, इस तरह से लूप का फंदा बना लेंगे। तो ये लूप का फंदा हमारा बन गया। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, तो एच स्टिच को छोड़ के इन्हीं फंदों को फिर से रिपीट करेंगे। एक बार लूप का फंदा हमने बाहर की तरफ से बुनना है, एक बार सेंटर में से बुनना है। तो ये तीन फंदे उल्टे, एक दो तीन, धागा पीछे करेंगे। अब ये फंदा पहले लूप का फंदा बनाएंगे, एक दो तीन, तीन फंदे छोड़ के फिर से यहाँ से लूप का फंदा बुनेंगे, इसको लूज रखेंगे, फिर एक फंदा सीधा। अब ये सीधा फंदा, ये लूप का, आगे से सिलाई डाल लेंगे, दो का एक बनाएंगे इस तरह से, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे। अब ये लूप का एक सीधा, दो फंदों में सिलाई डाल लेंगे, दो का एक बनाएंगे, ये फंदा सीधा, फिर से लूप बनाएंगे इसी जगह से सेंटर से, तीन फंदे छोड़ के इस तरह से, इसको थोड़ा सा लूज रखेंगे। दो रिपीट कंप्लीट हुए, लास्ट में चार फंदे हैं, तो तीन फंदे उल्टे, धागा पीछे, एक फंदा सीधा। तो इस तरह से हमारा ये केबल डिजाइन बन के आ जाएगा। जब आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा बनाएंगे बड़े डिजाइन में, तो ये डिजाइन इस तरह से हमारा बन के आएगा, बहुत ही प्यारा सा सुंदर सा ये केबल डिजाइन हमारा बनेगा। जितना देखने में सुंदर है, बनाने में उतना ही आसान है। अगर आपको ये डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए, वीडियो पसंद आए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिलते रहे। कमेंट सेक्शन में बताएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।